नमस्कार। कभी आप सुने हैं कि कोमा के पेशेंट्स, मानिए जो कोमा में जाने वाला पेशेंट, कुछ दिन कोमा में गुजार चुका पेशेंट, एक वन नाइट एक बिना दवाई के प्राकृतिक चिकित्सा यानी न्यूरोथेरेपी द्वारा ठीक हो गया। किसी भी चिकित्सा द्वारा आप कभी ये चीज सुने हैं? मुझे नहीं लगता ये न्यूरोथेरेपी छोड़ के और किसी थेरेपी में संभव है। नमस्कार, मैं दीपांजन देव, आप देख रहे हैं न्यूरोथेरेपी का यूट्यूब चैनल। आज आपसे हम शेयर करने वाले हैं एक कोमा पेशेंट का दास्तान, उनका हिस्ट्री। आपको हम दिखाएंगे एक कोमा पेशेंट जो कोमा में रहते हुए, जो बेड रिडन होते हुए, जिनका भयंकर बेड सोर हो गया था। बेड सोर आप जानते हैं, घाव हो जाता है हिप के पास। आप उस बेड सोर का वीडियो देख सकते हैं हमारे वीडियो में, और इस बेड सोर को कैसे ठीक हुआ न्यूरोथेरेपी द्वारा ये भी देखिएगा, और पेशेंट के घर वाले कितने खुश है हमारे न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से, और उनका भी आप स्टेटमेंट सुनिएगा। पेशेंट को भी देखिएगा और पेशेंट का कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ है, और एक कोमा पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के बाद कैसा उनका नेक होल्डिंग से लेकर के एवरीथिंग, और खाली कोमा नहीं, वो पैरालिसिस के पेशेंट थे, उसके बाद उनका कोमा में चले गए थे, तो पैरालिसिस में भी इतना जबरदस्त इलाज न्यूरोथेरेपी छोड़ के मुझे नहीं लगता दुनिया में और कुछ है। पैरालिसिस के अटैक होने के कारण से इस पेशेंट को बहुत सारे प्रॉब्लम हो गया था। इसको कहते हैं हिमाटोमा यानी हेमरेजिक पैरालिसिस अटैक। तो पेशेंट का बीपी बहुत ज्यादा था, 200 के आसपास बीपी था, और उनका ब्रेन की नसें फट गई थी, इस वजह से उनका ब्लड क्लॉट हो गया था, और जो बेसल गैंग्लिया है वो खराब हो गया था। बेसल गैंग्लिया इनएक्टिव दिखा रहा था, डीजेनरेशन इन बेसल गैंग्लिया, ऐसा कुछ रिपोर्ट में था। बट न्यूरोथेरेपी में पहला दिन हमने एक 15 मेडुला बोल के एक ऑप्शन है हमारा, जो देने से बेसल गैंग्लिया, आप दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं बेसल गैंग्लिया के ऊपर में, तो 15 मेडुला जो यहाँ पर खाली देने से, आप देखिए ऐसे यहाँ पर ऐसे करके 30 बार रब करना है, फिर यहाँ पर ऐसे करके 30 बार रब करना है, तो ऐसे करके 15 मेडुला इंटू 6 ट्रीटमेंट ये दिया गया, और इसमें बहुत उनको फर्क हुआ। इसके साथ और कुछ थेरेपी है जो हम आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताएंगे, तो उससे उनको काफी फर्क पड़ा, और उनका जो आईलिड है जो बिल्कुल नहीं हिल रहा था, वो पहला दिन ही थेरेपी के बाद में हिलना चालू कर दिया, और नेक होल्डिंग जो गर्दन ऐसे हिला हुआ था वो गर्दन सीधा हो गया। तो आप देख सकते हैं वीडियो में, डिटेल में देखिएगा, और थेरेपी के लिए ये किस तरीके का थेरेपी दिया जाता है ऐसे पेशेंट को, ऐसा आपके संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे, हम आपको वीडियो भेजेंगे। आप देश भर में कहीं से भी आप हमें संपर्क करते हैं तो ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी हम आपका, ऑनलाइन में भी हम आपका सहायता कर सकते हैं। हम लोग इनको इलाज कर रहे हैं, ये एडमिटेड है कल सुबह से यहाँ पे, तो इनका न्यूरोथेरेपी द्वारा और प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा इनका इलाज हो रहा है, और न्यूरोथेरेपी से इनका कल से आज तक इम्प्रूवमेंट है। ये कोमा में जाने वाला पेशेंट, आज आप देख सकते हैं कि इनका कैसे आंखों का आईलिड अच्छा से हिल सकता है, हम लोग अच्छा से इनको पकड़ के बैठा है, इनका नेक मूवमेंट हो रहा है, पेशेंट एक्सप्रेशन दे रहा है हमको, और हाथ पांव बढ़िया मूवमेंट कर रहा है। हाँ देखिए पेशेंट कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है इमीडिएट, और गले का साउंड कर रहा है पेशेंट, बोलने की चेष्टा कर रहा है। तो हमारे बीपी में भी इम्प्रूवमेंट काफी है, इनका बीपी 190 तक चला गया था, अभी 140 में आ गया है ऊपर का बीपी, कल से आज तक हमारा ये इम्प्रूवमेंट है। हम अपेक्षा रखते हैं ऐसे ही अगर इम्प्रूवमेंट चलता रहा तो दावे के साथ बोल सकते हैं कि कल के अंदर में पेशेंट का कंडीशन और इम्प्रूव हो जाएगा। आज हम इनको बैठा के सपोर्ट दे रहे हैं, हम कल जब पेशेंट आया था हमने बताया था कि हमारा टारगेट है मैडम नेक को मूव कराना, नेक मूव कराना कल इवनिंग तक हो गया, आज बढ़िया तरीके से रेस्पॉन्स भी कर रहा है पेशेंट, बुलाने से हमें वो भी कर रहे हैं। मैडम कल जब ये आए थे तो इनका नेक मूवमेंट का आई मूवमेंट तो आज के जैसा था, कल और आज में क्या इम्प्रूवमेंट है? मतलब उसमें हम लोग बुलाने से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती थी, और आँख हमेशा बंद रहता था, और उठा के ऐसा बैठा तो सकते ही नहीं थे, बड़ा बड़ा सांस लेते थे, डर लगता था उसे खाने के लिए। तो न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से इनका जो राइस क्यूब है, मेरे ख्याल से अभी आज इन्होंने मुंह से पानी पिया है, कल से सॉलिड फूड थोड़ा बहुत करके हम दे सकते हैं, लिक्विड फूड दे सकते हैं थोड़ा बहुत,
मुझे लग रहा है कल तक राइस ट्यूब उतर जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यूरोथेरेपी और पेशेंट का रिकवरी के ऊपर, इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट रिकवरी। अभी तक का जो रिकवरी है स्पीड अगर बरकरार रहा तो इट्स विल बी मिरेकल इन नियर फ्यूचर। हमारे जो पेशेंट है उनके बेड सोर्स जो है था उनका कल एक ही दिन का इलाज से, बस एक ही दिन के इलाज से यहाँ तक इम्प्रूवमेंट है पहला दिन में ही। ठीक है, अभी हम अपेक्षा रखते हैं कि ये बेड सोर जो आपने देखा है स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छी तरह हील हो जाएगी और ये जो बेड सोर का जो साइड वाला एरिया है तो बहुत जल्द हील होके मेन डायफ्राम अपना शेप जो है फिर से ले ले। कोमा पेशेंट को आपने रिकवरी होते हुए जो वीडियो में आप देख रहे हैं इनको हमने क्या थेरेपी दिया है, कोमा और पैरालिसिस। इनका 200 से ऊपर बीपी जा करके इनका हेमरेज हुआ था और इस वजह से इनका पैरालिसिस हो गया था और कुछ दिन कोमा में चली गई थी। तो जब इनको रिकवरी के लिए जो ट्रीटमेंट हमारा दिया गया वो आप लोग भी देखिए, बहुत सिंपल रेमेडी है। आप बहुत व्यूअर्स जो है आप दूर में रहते हैं और हमसे संपर्क नहीं कर पाते हैं तो आप लोग घर में ही ये चिकित्सा कर सकते हैं ताकि ये बेसिक एकदम बेसिक है, एक्सपर्टाइज ट्रीटमेंट नहीं है, होम रेमेडी टाइप के कुछ पॉइंट्स है। आप ये देख सकते हैं और इसको सीख सकते हैं और आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं और न्यूरोथेरेपी का शक्ति क्या है इसको समझ सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट आपके घर में हैं, पैरालिसिस में हैं, बिस्तर में लेटे हुए हैं तो उनको आप ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं जो हमारे पेशेंट को दिया गया, उनका रिकवरी हुआ। देखिए कैसे देते हैं इनको न्यूरोथेरेपी का भाषा में हम बोलते हैं बेसल गैंग्लिया ब्रेन का एकदम बेस में रहता है, अंदरूनी पार्ट है और इसको एक्टिवेशन के लिए न्यूरोथेरेपी में 3 प्रमुख पॉइंट है। तो हम आपसे शेयर करेंगे कि ये पॉइंट्स क्या है, आइए देखते हैं। मेडुलो ऑब्लोंगाटा को ट्रीटमेंट दे करके हम एसिटेल कोलाइन को एक्टिवेट कर सकते हैं और मेडुलो ऑब्लोंगाटा को देने का एक तरीका है, आप बहुत ध्यान से देखिए ये तरीका क्या कैसे आप देंगे जिससे आप एसिटेल कोलाइन को एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक कान के पीछे से यहाँ तक आपको ऐसे दोनों हाथों से साइमल्टेनियसली, मतलब ये हाथ छोड़ना नहीं है, ये छोड़ेंगे तो इसका प्रेशर चालू हो जाएगा, फिर ऐसे करके आपको 15 मेडुला 15 यानी 1:2 दोनों उंगली से करेंगे तो एक होता है, ऐसे करके आपको 30 बार करना होगा दोनों उंगली का 30 बार, मतलब 2:1 के हिसाब से दो ऐसे, एक ये हुआ एक ये हुआ, ये मिला के एक होता है तो इस हिसाब से आपको 15 है, ऐसे दोनों उंगली का काउंट करेंगे तो 30 रब होता है एकदम ऐसा। आप यहाँ पे पाउडर का उपयोग कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा स्किप करें, तो ऐसे करके 30 रब करिए और उसके बाद में 1 मिनट गैप दीजिए, उसके बाद फिर इस चीज़ को करिए और उसके बाद जो करेंगे इसको 2 बार रिपीट करना है एक्चुअली 1 मिनट का गैप में, उसके बाद जो आपको करना है मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। देखिए इसको बोलते हैं मेसेंसेप्लोन का मतलब होता है मिड ब्रेन को एक्टिवेशन देने के लिए न्यूरोथेरेपी का सबसे बढ़िया पॉइंट है और इसके साथ में हम डॉर्सल को ऐड किए हुए हैं न्यूरोथेरेपी में, तो ताकि मेसेंसेप्लोन ट्रीटमेंट के साथ डॉर्सल भी एडेड है, डॉर्सल भी स्टिमुलेट हो जाएगा। देखिए अभी यहाँ से शुरू करना है, ये जो जगह है इसके इस साइड से सिर जहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक स्काल जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से आपको ऐसे करके दोनों उंगली से ही करना पड़ेगा, 4 यानी 8 सेम काउंट होगा। ठीक है फिर इधर बीच वाला डॉर्सल पॉइंट है इसको भी ऐड करना है, इस पेशेंट को दिया गया था तो ऐसे दोनों उंगली से आप कर सकते हैं, इस चीज़ को करके इसको भी आपको 1 मिनट गैप में 2 बार करना होगा। ठीक है इसके बाद आएगा एक हमारा एड्रेनालाइन पॉइंट्स हम देते हैं न्यूरोथेरेपी में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एड्रेनालाइन देने के लिए हमें यहाँ पर ठीक पीठ का T6 जो एरिया है उसके नीचे ऐसे दोनों हाथों से इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 6 बार देना है और फिर इसको भी 1 मिनट बाद रिपीट करना है। तो ये ट्रीटमेंट जो है सबसे ज़्यादा असरदार है, इसके साथ में आप 20 मेडुला जो हम डोपामाइन के लिए देते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर है ये भी, तो डोपामाइन के लिए देते हैं तो यहाँ पर रब करेंगे 40 टाइम, जैसे पहले बार किए हैं आप 30 टाइम रब किए हैं दोनों उंगलियों से, अब इसको 40 टाइम करना है, बस इसको एक ही बार देना है, इसको 2 बार नहीं रिपीट करना, यहाँ पर एक फिर यहाँ पर एक, ये देने से
उनका जो न्यूरो ट्रांसमिशन कैपेसिटी है इसको एनहेंस हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, और पेशेंट जो है तुरंत, जैसे जिस पेशेंट का नेक मूवमेंट का भी कैपेसिटी नहीं था वो तुरंत नेक मूवमेंट करने लगा और बहुत अच्छे से नेक मूवमेंट करने लगा। तो ये जो है आईलिड जो है उनका बिल्कुल नीचे गिरा हुआ था, आईलिड का कोई फंक्शन नहीं था, हमारे ट्रीटमेंट के बाद, इस ट्रीटमेंट के बाद आईलिड का भी मूवमेंट आ गया। तो ये थेरेपी आप दिन में दो बार दे सकते हैं, सुबह और शाम। 3 to 4 days के बाद से ही आप चेंजेस देखेंगे पेशेंट के अंदर में। और एक चीज़ का ध्यान रखना, थेरेपी जो है खाली पेट देना पेशेंट को, तो उससे फ़ायदे में और इजाफा हो जाएगा।